जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों 20 अप्रैल को लगने वाला है वर्ष का पहला और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। इस बार सूर्य ग्रहण बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस बार हाइब्रिड सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि 100 वर्षों में एक ही बार लगता है। हाइब्रिड सूर्य ग्रहण आंशिक, पूर्ण और कुंडलाकार सूर्य ग्रहण का मिश्रण है। वैशाख मास की अमावस्या में साल का पहला सूर्य ग्रहण इसीलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मेष और अश्विनी नक्षत्र में लगेगा। ऐसे में सूर्य ग्रहण का सबसे ज़्यादा प्रभाव मेष राशि के जातकों पर पड़ेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को सुबह 7:04 पर प्रारंभ होगा और दोपहर 12:29 पर समाप्त होगा। अर्थात सूर्य ग्रहण की पूर्ण अवधि 5:24 की होगी। अब आइए दोस्तों जानते हैं यह सूर्य ग्रहण होता कैसे है। दोस्तों सूर्य ग्रहण एक ऐसी घटना है जिसमें चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। जब चंद्रमा सूर्य को अवरुद्ध करता है और पृथ्वी पर छाया डालता है तो सूर्य का दिखाई देना बंद हो जाता है। इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं और ऐसा माना जाता है उस समय सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा विशेष तरीके से एक साथ आती है। इसी वजह से सभी के जीवन में ग्रहण का कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। परंतु ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को राहु और केतु से जोड़कर देखा जाता है। राहु और केतु को छाया ग्रह भी कहा जाता है, जो मनुष्य के जीवन में हमेशा विपरीत प्रभाव ही डालते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देने वाले सूर्य और चंद्रमा की आभा को राहु और केतु कम करते हैं, या फिर उनके प्रकाश को पूरी तरह से कुछ देर के लिए समाप्त कर देते हैं। इसीलिए ग्रहण को विपरीत प्रभाव देने वाला माना जाता है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण काल में हमारे आसपास की हर एक वस्तु प्रभावित होती है। ग्रहों की ऊर्जा में होने वाले बदलाव मानव शरीर को भी प्रभावित करता है। यह एक खगोलीय घटना है, इसीलिए इसका प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। सूर्य ग्रहण के समय कुछ विशेष उपाय भी कर सकते हैं, जैसे दान पुण्य, धार्मिक गायन, कीर्तन, मंत्र जप, तीर्थ यात्रा, पवित्र नदियों में स्नान। ग्रहण काल में गंगा स्नान करना सबसे अधिक लाभप्रद माना जाता है। अब आइए दोस्तों यह जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखेगा। दोस्तों इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लग रहा है। यह अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण हिंद महासागर, इंडोनेशिया और फिलीपींस में दिखाई देगा। परंतु 20 अप्रैल 2023 का ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए भारत में सूतक काल भी नहीं माना जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं 20 अप्रैल 2023 को लगने वाले सूर्य ग्रहण की संपूर्ण सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।